वीडियो में हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन जो है ये कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो हैं वो कितने तरह के हैं एनिमल टिश्यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शन। इसकी जो है एक तरह की सेल्स होती हैं, तो हम लोग एनिमल और टिश्यू हम लोग देख रहे हैं। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू जो है ये इपिथीलियल है, कनेक्टिव टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू है और न्यूरल टिश्यू है। ये मेनली जो है चार तरह के टिश्यू हैं। पहला है इपिथीलियल, दूसरा है कनेक्टिव, तीसरा है मस्कुलर और चौथा है न्यूरल। तो ये चार तरह के हैं टिश्यू, इपिथीलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। इपिथीलियल टिश्यू जो है इसको फिर अगेन दो भागों में बांटा गया है। इपिथीलियल टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। ये है एक सिंपल इपिथीलियल है और दूसरा जो है कंपाउंड इपिथीलियल है। सिंपल इपिथीलियल जो है, ये सिंपल इपिथीलियल दिख रहा है हमें, सिंपल इपिथीलियल और दूसरा कंपाउंड इपिथीलियल। तो ये जनरली इस इपिथीलियल टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है, सिंपल इपिथीलियल टिश्यू और कंपाउंड इपिथीलियल टिश्यू। अगेन जो है ये इपिथीलियल टिश्यू को फिर पांच भागों में या चार भागों में डिफरेंट बुक्स में अलग अलग तरह से बांटा गया है। तो सिंपल इपिथीलियल ये जो है स्क्वामस, ये हो सकता है कि क्यूबॉइडल इपिथीलियल हो सकता है, कॉल्यूमिनर इपिथीलियल और फिर सिलिएटेड इपिथीलियल या फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियल। कंपाउंड इपिथीलियल को फिर जो है ये दो भागों में बांटा गया है, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल इपिथीलियल। तो ये जो है इपिथीलियल को हमने देखा कि दो भागों में बांटा गया है, ये एक सिंपल इपिथीलियल और कंपाउंड, और कंपाउंड जो है ये फिर अलग से ये अगेन दो भागों में बांटा गया है, एक स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियल और दूसरा जो है ये ट्रांजिशनल इपिथीलियल। फिर स्टडी की सुविधा के लिए स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियल को बांटा गया है स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियल में। फिर ये स्क्वामस जो है इसको भी फिर दो भागों में बांटा गया है, कैरेटिनाइज्ड और नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड इपिथीलियल टिश्यू। तो ये जो है कुछ इपिथीलियल टिश्यू के बारे में है। तो हम लोगों ने देखा ये इपिथीलियल, फिर हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन भी हम लोग देखते हैं। एनिमल टिश्यू में जनरली ये इस तरह का भी क्लासिफिकेशन दिया गया है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन दिए गए। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग ये एनिमल टिश्यू जो है ये चार तरह से है, इपिथीलियल है, मस्कुलर है, कनेक्टिव है और नर्वस टिश्यू है। ये चार तरह के यहाँ पे भी हैं। यहाँ इपिथीलियल टिश्यू जो है यहाँ पे ये फिर स्क्वामस इपिथीलियल, क्यूबॉइडल इपिथीलियल, कॉल्यूमिनर इपिथीलियल, सिलिएटेड इपिथीलियल और ग्लैंडुलर इपिथीलियल में इसको डिवाइड किया गया है। आगे यहाँ देखते हैं मस्कुलर एनिमल टिश्यू जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसको अनस्ट्रेटेड, एस्ट्रेटेड और कार्डिक मस्कुलर टिश्यू में इसे डिवाइड किया गया है। कनेक्टिव टिश्यू को फिर यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है। कनेक्टिव टिश्यू में एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड किया गया है। जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू हैं इसको फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज वाले भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक एरियोलर, लूज वाले को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक एरियोलर में डिवाइड किया गया है, एरियोलर में डिवाइड किया गया है और दूसरा जो है एडिपोज में किया गया है। डेंस वाला के ये फिर ये दो भागों में, एक टेंडन और एक लिगामेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टेंडन और लिगामेंट। और स्केलेटल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर के बाद स्केलेटल आता है, स्केलेटल टिश्यू, इसको बोन में और ये फिर कार्टिलेज में डिवाइड किया गया, बोन और कार्टिलेज में डिवाइड किया गया।
और फिर यहाँ पे हम देखते हैं फ्लूइड वाला कनेक्टिव टिश्यू जो है इसे ब्लड और लिम्फ ये दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स थे। और बुक्स में अलग अलग बुक्स में हम लोग और देख सकते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू जो है कनेक्टिव टिश्यू अलग फिर कनेक्टिव टिश्यू हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू जो है यहाँ पे ये दो भागों में डिवाइड किया गया है। कनेक्टिव टिश्यू ये है टोटल जो है इसको एक लूज कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड किया गया। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू इस तरह से ये डिवाइड किया गया है। लूज कनेक्टिव टिश्यू फिर एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू में डिवाइड किया गया है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड किया गया है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड किया गया है और येलो एलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड किया गया है। यहाँ फिर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया है एक टेंडन और एक सीट कार्ड या सीट हम लोग बोलते हैं और येलो एलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू जो है ये लिगामेंट या फिर सीट में डिवाइड किया गया है। फिर हम लोग देखते हैं ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एस्ट्रिएटेड टिश्यू वैस्कुलर टिश्यू या रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू या फिर पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड किया गया है। ये स्केलेटल टिश्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं दो भागों में कार्टिलेज और बोन में इसको डिवाइड किया गया है। ये कार्टिलेज जो है अलग अलग फिर तीन हाइलाइन कार्टिलेज फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज में ये डिवाइड किया गया है और बोन वाले को जो है कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन में ये डिवाइड किया गया है। आगे हम यहाँ पे फिर देखते हैं ये वैस्कुलर टिश्यू जो है इसको दो भागों में ब्लड और लिम्फ में डिवाइड किया गया है और इसी तरह से फिर आगे जो हैं ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं और पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू हैं और एक जो है मिकॉइड कनेक्टिव टिश्यू भी ये हैं। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि एनिमल टिश्यू जो हैं बेसिकली ये एपिथेलियल मस्कुलर कनेक्टिव और नर्वस ये चार तरह के टिश्यू में डिवाइड हैं जिसमें कि मेनली जो इम्पॉर्टेंट है एपिथेलियल में ये स्क्वामस है क्यूबॉइडल है कॉलिमिनर है सिलिएटेड है और ग्लैंडुलर ये चार तरह हम लोग एनसीईआरटी में देखेंगे। मस्कुलर जो है यहाँ पे ये अनस्ट्रिएटेड एस्ट्रिएटेड और कार्डिक मसल्स में ये डिवाइड किया गया है। फिर कनेक्टिव टिश्यू जो है ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड किया गया है। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल वाला फिर बोन और कार्टिलेज और फ्लूइड ये जो है ब्लड और लिम्फ ये दो भागों में डिवाइड किया गया है। उसी तरह से देखते हैं कि लूज वाला जो है एरियोलर और एडिपोज में किया गया है और डेंस वाला जो है टेंडन और लिगामेंट में ये डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू क्या है। चार तरह के हम लोग बेसिकली देख रहे हैं एक एपिथेलियल मस्कुलर कनेक्टिव और नर्वस।